मीडिया और फिल्में समाज का चेहरा दिखाती हैं आम आदमी को, और समाज में जो चल रहा है वो अक्सर दिखाया करती हैं, लेकिन सभी को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। मसलन आप किसी शख्स को चोर दिखा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी को चोर बता दें। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर एक वेब सीरीज आई थी आश्रम के नाम से, जिसके निर्माता प्रकाश झा है और मुख्य कलाकार के रूप में बॉबी देओल सामने आए थे। उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं वेब सीरीज में बाबा की भूमिका निभाने वाले बॉबी देओल के किरदार को लेकर आपत्ति जताते हुए एक मामला दर्ज हो गया है। एक केस दर्ज हुआ है इस फिल्म के निर्माता प्रकाश झा और बॉबी देओल पर। आपको बता दें इस मामले की सुनवाई 11 जनवरी को होनी है। 11 जनवरी को इस केस की सुनवाई होगी। क्या है पूरा मामला आपको बता देते हैं। एडवोकेट खुश खंडेलवाल ने ये दावा किया है कि जो वेब सीरीज सामने आई है इसमें हिंदू गुरुओं और धर्म गुरुओं को बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और ड्रग्स का व्यापार करने वाला बताया गया है, जो कि काफी निंदनीय है। इस वेब सीरीज ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को हानि पहुंचाई है। गौरतलब है कि इस वेब सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं, तीसरा जल्द आने वाला है। और ये बात कही जा रही है कि कानून के जानकार ऐसा मानते हैं कि इस मामले में अगर डायरेक्टर को सुनवाई पे जाना पड़ा तो तीसरी वेब सीरीज का लॉन्च अटक सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है, ताकि आप तक पहुंचते रहे हमारे हर लेटेस्ट अपडेट।